नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट विद आलोक में। यूपीएसआई के रैंकर बैच के लिए हम सभी लोग सामान्य विज्ञान का महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ रहे हैं, नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। और इसके पहले वाले भाग में मैंने आप सभी को न्यूरॉन के बारे में बहुत कुछ बताया था, न्यूरॉन के बारे में हमने कुछ पढ़ा था, और आज हमको इसके आगे समझना है कि हमारा ब्रेन क्या है, स्पाइनल कॉर्ड क्या है, परिवर्ती प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती हैं, रिफ्लेक्स एक्शंस क्या क्या होते हैं, ये सारे पॉइंट आज हमको समझना है। तो दोस्तों, संस्थान में यूपीएसआई का बैच प्रारंभ है मिस्टर रवि सर के निर्देशन में, और ध्यान रहे जो एडमिशन प्रोसेस है वह प्रक्रियाएं 7 अगस्त तक चलती रहेंगी। 7 अगस्त तक प्रक्रियाएं चलती रहेंगी, संस्थान 2 दिन बंद रहेगा वो अलग बात है, लेकिन आप लोग कांटेक्ट करके अपने एडमिशन प्रोसेस के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और यदि आपको कोई जानकारी चाहिए एडमिशन संबंधित दोस्तों, क्या करना पड़ेगा आपको, आपको इस नंबर पर, ये दिए गया नंबर है, इस नंबर पर आपको किसी भी एडमिशन प्रोसेस के बारे में किसी भी जानकारी, कोई भी जानकारी अगर लेना है तो आप क्या करेंगे, इस पर व्हाट्सएप करेंगे, और व्हाट्सएप करने के बाद आपको शीघ्र ही जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो प्रीवियस क्लास में आप सभी ने देखा था कि वहां मैंने आप सभी को बताया था तंत्रिका तंत्र के पहले वाले भाग में, यानी किस जीवधारी में तंत्रिका तंत्र नहीं, तंत्रिका तंत्र का विकास हुआ था। अब आप लोग इस वाले क्लास में उसको कमेंट करिएगा कि सबसे पहले तंत्रिका तंत्र का प्रारंभ किस जीव में हुआ था, और सबसे, यानी ऐसा कौन सा जीव है जिनमें समन्वय के लिए कोई अंग नहीं होता, कोऑर्डिनेशन के लिए कोई अंग नहीं पाया जाता। चलिए, तो आज की क्लास दोस्तों शुरू करने से पहले प्रीवियस की क्लास को यहां पर मैं आप सभी के सामने दोस्तों एक बार रिकॉल करूंगा। देखिए, हमने क्या क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि न्यूरॉन के बारे में, न्यूरॉन सेल क्या होती है, देखिए न्यूरॉन क्या होता है, नर्वस सिस्टम क्या होता है। तो दोस्तों, न्यूरॉन शरीर में स्मृति, सोचने समझने, समन्वय व नियंत्रण स्थापित करने वाला तंत्र होता है, क्लियर। और फिर देखिए, हमने क्या पढ़ा था न्यूरॉन के बारे में, न्यूरॉन कैसे बनता है, भ्रूणीय एक्टोडर्म से बना होता है, और हमेशा जो न्यूरॉन सेल होती है, तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, इन कोशिकाओं का कभी विभाजन नहीं होता, यह भी आप जानते रहिएगा। और न्यूरॉन नर्वस सिस्टम की कार्यात्मक एवं रचनात्मक इकाई होती है। और दोस्तों, इसको पढ़ने के बाद हम लोगों ने आगे पढ़ा हुआ था कि न्यूरॉन कितने प्रकार का होता है, ये सब के बारे में, यानी सेंसरी न्यूरॉन क्या होता है, और चालन तंत्रिका क्या होती है, मध्यस्थ तंत्रिकाएं क्या क्या होती हैं। और देखिए, आज की दोस्तों क्लास में हम लोग पढ़ना है कि आखिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कौन कौन से भाग हैं। चलिए, तो क्लास को आज हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के कौन कौन से भाग हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, यानी आज हमको पढ़ना है ब्रेन के बारे में और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। तो पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मैंने कहा था यह सबसे महत्वपूर्ण होता है, और सबसे महत्वपूर्ण क्यों होता है, क्योंकि यह स्वयं पर और पूरे शरीर पर नियंत्रण स्थापित करता है, यानी यह स्वयं पर और स्वयं के साथ साथ पूरे शरीर पर नियंत्रण स्थापित करता है, और इसीलिए इसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है हमारे शरीर के अंदर, हमारे तंत्रिका तंत्र के अंदर। तो इसका पहला भाग होता है मस्तिष्क दोस्तों, इसका पहला भाग क्या है, मस्तिष्क, और इसका दूसरा भाग होता है मेरुरज्जु। और अगर हम यहां पर बात करते हैं मेरुरज्जु की, तो यह क्या होता है, इसको हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड, इसको हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, या दोस्तों इसको हम कहते हैं मेरुरज्जु, ठीक है। अब देखिए, यहां जो ब्रेन है, ब्रेन के और भी सारे भाग होते हैं, जैसे कि ब्रेन के कौन कौन से भाग हैं तो बता दूं मैं आप सभी को कि ब्रेन के 3 भाग होते हैं, जो हमारा ब्रेन होता है यह 3 भागों में बटा रहता है, और पहले वाले भाग को हम कहते हैं अग्रमस्तिष्क, या इसको हम कहते हैं प्रोसेंसिफेलॉन, क्या कहते हैं दोस्तों, हम इसको कहते हैं प्रोसेंसिफेलॉन, कहते हैं अपने अग्रमस्तिष्क को, तो प्रोसेंसिफेलॉन होता है जिसको हम कहते हैं अग्रमस्तिष्क, यानी आगे वाला मस्तिष्क।
और जो दूसरा वाला मस्तिष्क होता है उसे हम कहते हैं मध्य मस्तिष्क। मध्य का मतलब बीच वाला भाग जो होता है, यानी मध्य मस्तिष्क, बीच वाला मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क। और इसको हम कहते हैं मेसेंसीफेलॉन, इसको हम कहते हैं मेसेंसीफेलॉन, या इसको कहते हैं मिड ब्रेन, मेसेंसीफेलॉन, या इसको हम मिड ब्रेन कहते हैं। और एक होता है आपका पश्चिम मस्तिष्क, और पश्चिम मस्तिष्क को हम क्या कहते हैं, हिंड ब्रेन कहते हैं, या इसी को दोस्तों हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रोमवेंसीफेलॉन। तो इसको हम कहते हैं रोमवेंसीफेलॉन, यानी हमारे मस्तिष्क के कुल मिलाकर के तीन भाग होते हैं। और ध्यान रहे, अगर हम इनकी बात करें कि अलग अलग इनके कितने भाग होते हैं, कौन कौन से भाग होते हैं, तो आपका अगर मस्तिष्क होता है यह दो भागों में डिवाइड रहता है। पहले वाले भाग को हम क्या कहते हैं, प्रमस्तिष्क कहते हैं, या इसको हम कहते हैं सेरेब्रम। हमारे पूरे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग बुद्धि और चतुराई का केंद्र, ध्यान रहे, दृष्टि और सुनने की शक्ति का नियंत्रण करने वाला। और दूसरा भाग क्या होता है, डाई एंसीफेलॉन। दोस्तों डाई एंसीफेलॉन ऐसा भाग है, डाई एंसीफेलॉन ऐसा भाग है हमारे मस्तिष्क का जो तीन भागों में बटा होता है। इसका पहला भाग क्या होता है, पहला भाग होता है थैलेमस, जो हमको ठंडा और गर्म तथा दर्द का अनुभव कराता है। इसका दूसरा भाग क्या होता है, हाइपोथैलेमस, इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। और दोस्तों यह हमको भूख प्यास, प्यार घृणा इत्यादि का अनुभव करवाता है, इत्यादि क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो थैलेमस हो गया, हाइपोथैलेमस, तो हाइपोथैलेमस हो गया। थर्ड भाग दोस्तों क्या होता है, एमाइग्ला होता है। अगर हम एमाइग्ला के बारे में बात करें, बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, यानी जब हम लोग किसी विकट परिस्थिति में कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं, ठीक है ना, और जब हम कभी डर जाते हैं, हमको भय लगता है, बाल हमारे खड़े हो जाते हैं, जो हमारी संवेदनाएं होती हैं, उन सभी का नियंत्रण कहां होता है, एमाइग्ला में होता है। और फिर देखिए आपका मध्य मस्तिष्क, इसके दो भाग होते हैं दोस्तों। पहला भाग क्या है, पहला भाग होता है सेरेब्रल पेंडिकल, पहला भाग होता है सेरेब्रल पेंडिकल होता है, जो देखने और सुनने की शक्ति का नियंत्रण केंद्र है, पेंडिकल। तो यह है सेरेब्रल पेंडिकल। और यहां अगर बात करते हैं हम लोग दूसरे भाग की, तो कार्पोरा कार्डिजेमिना होता है। तो कार्पोरा कार्डिजेमिना ऐसा भाग है दोस्तों जो हमारे मध्य मस्तिष्क को मेडुला ऑब्लॉन्गेटा से कनेक्ट करता, जोड़ने वाला होता है। एक होता है पश्चिम मस्तिष्क। अगर पश्चिम मस्तिष्क की बात करें तो इसमें भी तीन भाग होते हैं। पहला भाग क्या होता है, अनुमस्तिष्क, जिसको हम कहते हैं सेरेबेलम। और जब हम चलते हैं, जब हम खड़े रहते हैं, दौड़ते हैं, खेलते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं, तो उस समय हमारे शरीर को संतुलन की आवश्यकता होती है। और हमारे शरीर को संतुलित करना किसका कार्य होता है, ये सेरेबेलम का कार्य होता है। और दोस्तों यहीं पर एक भाग होता है मेडुला ऑब्लॉन्गेटा। तो मेडुला ऑब्लॉन्गेटा जितनी भी हमारी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, उन सभी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला भाग कौन होता है, मेडुला ऑब्लॉन्गेटा। और यहीं पर हमारा एक भाग होता है पोन्स। अगर हम पोन्स की बात करें तो दोस्तों गहरी निद्रा में जब हम सोते हैं, जब हम गहरी निद्रा में सोते हैं, तो नींद का नियंत्रण इन सभी क्रियाओं को कौन करता है, पोन्स नियंत्रित करने का कार्य करता है। तो सबसे पहले हम ब्रेन के बारे में पढ़ना शुरू कर देते हैं और देखते हैं दोस्तों ब्रेन, जो हमारा ब्रेन है वह किस प्रकार से क्रिया करता है, और ब्रेन से कौन कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो आपकी परीक्षा में आ सकता है। चलिए तो ब्रेन को पढ़ना हम शुरू कर देते हैं। देखिए अगर हम आपसे ब्रेन की बात करें तो सामान्य दोस्तों क्या होता है, जो हमारा ब्रेन, जो हमारा मस्तिष्क है, उसका वेट कितना होता है। देखिए पहले एक बार आप लोग समझ लीजिए इसके भाग के बारे में, यहां मैं आपको समझाऊंगा फिगर से। देखिए दोस्तों ये हमारा ब्रेन है, जो हमारा ब्रेन होता है यह बिल्कुल किसका बना होता है, बिल्कुल चर्बी से बना होता है, फैट से बना होता है। और इसके पूरे भाग में लगभग 60% चर्बी होती है, और उतनी चर्बी कहीं पर भी नहीं होती। और ध्यान रहे हमारे पूरे ब्रेन में एक द्रव होता है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। और सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड ऐसा द्रव है जो हमारे मस्तिष्क को बाहरी आघातों से, चोट से बचाता है।
अगर मस्तिष्क की बात करें दोस्तों, पहले क्या, पहले बाल है और फिर क्या होती है, फिर स्किन होती है, फिर हमारी खोपड़ी होती है और खोपड़ी के अंदर एक लेयर है क्रेमियम, और क्रेमियम जो लेयर है वो हमारे ब्रेन के चारों ओर फैली हुई है, और क्रेमियम के अंदरूनी भाग में मेनेंजिस नामक लेयर होता है जिसके तीन भाग होते हैं, ड्यूरामेटर, एरेक्नाइड और पायामेटर। ये हमारे मस्तिष्क के आवरण होते हैं, अलग अलग आवरण का अलग अलग कार्य होता है। तो मस्तिष्क के तीन भाग है, जो पहला वाला भाग है इसको हम कहते हैं फोर ब्रेन, यानी देखिए दोस्तों ये आगे वाला मस्तिष्क है, यानी हमारा यहां से लेकर के पूरा यहां तक भाग, पूरा यहां तक जो भाग आगे वाला है इसको हम बोलते हैं अग्र मस्तिष्क, यानी यहां से अगर आप देखेंगे तो यहां से लेकर के पूरा यहां तक जो भाग है उसको हम अग्र मस्तिष्क कहते हैं। ये पूरा भाग अग्र मस्तिष्क है, आगे का मस्तिष्क है, या हम कहते हैं पूरे मस्तिष्क का दो तिहाई भाग हो, दो तिहाई भाग क्या होता है हमारे अग्र मस्तिष्क का ही हिस्सा होता है, ठीक है ना। देखिए उसके बाद क्या है, इस भाग को हम कहते हैं मिड ब्रेन, ये देखिए आपका मध्य मस्तिष्क है, और यहां देखिए जो भाग बना हुआ है इसको हम कहते हैं पश्चिम मस्तिष्क, ये पश्चिम मस्तिष्क के भाग है। तो यहां देखिए दोस्तों पहला फोर ब्रेन है यानी अग्र मस्तिष्क, इसमें क्या क्या है, इसमें सेरेब्रम है, यहां जो सेरेब्रम है कहते हैं कि पूरे मस्तिष्क का सबसे सबसे विकसित और बड़ा अंग क्या होता है, पूरे मस्तिष्क का सबसे विकसित और बड़ा अंग होता है सेरेब्रम। दोस्तों ध्यान देना, इसमें गाइरस और सल्कस नामक भाग होता है, यहां जो भाग उठा हुआ है इसको हम कहते हैं गाइरस, और यहां जो भाग दबा हुआ है इसको हम दोस्तों बोलते हैं सल्कस। और ध्यान देना, ये दोनों भाग अगर किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में अधिक होते हैं तो कहते हैं वह व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान है, यानी कि जो जिसका प्रमस्तिष्क जितना बड़ा होता है वह उतना ही बुद्धिमान होता है, और इसी को हम बुद्धि और चतुराई का केंद्र कहते हैं। और दोस्तों फिर देखिए यहां पर देखिए हमारे मस्तिष्क के दो हिस्से हो सकते हैं, अगर आप कहीं चित्र में देखते होंगे तो मस्तिष्क के यहां से दो हिस्से होते हैं, एक ये वाला हिस्सा और एक ये वाला हिस्सा। ध्यान रहे दोनों हिस्से हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में कार्य करते हैं, अगर दाहिना हिस्सा ब्रेन का काम करना बंद कर दिया तो पूरा बाया जो हमारा अंग है वो पैरालिसिस हो जाएगा, अगर हमारे मस्तिष्क का बाया हिस्सा काम करना बंद कर दिया तो पूरे बॉडी का दाहिना भाग क्या होगा, पैरालिसिस हो जाएगा। इस बात का ध्यान देना दोस्तों, ध्यान देना कि दो मस्तिष्क यानी इस साइड बाएं और दाहिने मस्तिष्क को जोड़ने वाला जो भाग होता है, पतला सा भाग होता है, उसको कहते हैं कार्पस कैलोसम, यानी कार्पस कैलोसम क्या करता है, पूरे हमारे दोनों मस्तिष्क को बहुत ही पतली धारियों से कनेक्ट करता है, जोड़ता है। फिर देखिए दोस्तों फिर क्या है, यहां देखिए ये सब अग्र मस्तिष्क का भाग है जिसमें कि सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस ये सब भाग होते हैं। और देखिए फिर क्या है, मध्य मस्तिष्क जहां पर दो भाग हैं, एक कार्पोरा कार्डिजेमिना, दूसरा क्या है सेरिब्रल होता है, सेरिब्रल पेंडिकल होता है, ठीक। और देखिए दोस्तों ये वाला भाग है, इसी भाग को हम क्या कहते हैं, कार्पस कैलसम कहते हैं। और ये पश्चिम मस्तिष्क का भाग है पूरा, और पश्चिम मस्तिष्क में आप लोग देख रहे होंगे पहला भाग एमाइगला है जो थोड़ा सा ऊपर होता है मेडुला के, देखिए ये जो उभरा हुआ भाग है इसको हम कहते हैं मेडुला, और यहाँ जो फ्लावर के आकार का स्ट्रक्चर है यही होता है आपका पश्चिम मस्तिष्क, यानी सेरेबेलम, जो शरीर को संतुलन देता है। मान लीजिए मैं खड़ा हूं ना तो बॉडी क्या है, संतुलित है, आप जहां बैठकर मुझे देख रहे हैं आप भी संतुलन की अवस्था में है। कभी कभी दोस्तों क्या होता है, जब कोई व्यक्ति शराब पीता है तो उसका एक पैर जमीन पर, दूसरा क्या होता है, नाली में होता है, क्यों, क्योंकि उसका यही सेरेबेलम, जो सेरेबेलम है वो कंट्रोल में नहीं होता, इसलिए व्यक्ति भी संतुलित अवस्था में नहीं रह पाता है। मान लीजिए अभी आप घूम रहे हैं, अभी आप खड़े हैं और बदमाशी कर रहे हैं, किसी ने क्या किया, एक एक तमाचा आपके सीधे पीछे यहां मार दिया, इस भाग पर मार दिया, तो क्या होगा, चक्कर खा के गिर जाएंगे, क्यों, क्योंकि जब यहां चोट लगेगी तो शरीर संतुलन में नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि सेरेबेलम संतुलन में नहीं रहता है। सेरेबेलम को हम कहते हैं मस्तिष्क का मस्तिष्क, या इसी को हम कहते हैं छोटा मस्तिष्क, आपने सुना भी होगा। चलिए तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम इन सारे पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम मस्तिष्क के बारे में, यानी ब्रेन के बारे में। देखिए ब्रेन यानी कि मस्तिष्क, मस्तिष्क तो यहां जो पहला पॉइंट इसका है, आइए पहले उसको समझते हैं। देखिए
दोस्तों जो हमारे ब्रेन का पहला पॉइंट है वो क्या है, इसका वजन कितना होता है। वजन देखिए, अगर वजन की बात करें तो हमारे मस्तिष्क से जो वजन होता है वह 1450 ग्राम होता है। कितना होता है? 1450 ग्राम, या इसको हम कहते हैं दोस्तों नॉर्मल जो है एनसीईआरटी में आपको कितना मिलता है, 1400 ग्राम मिलता है, यानी हमारे पूरे बॉडी वेट का कितना, 2%। ठीक है ना, तो पूरे बॉडी वेट का कितना होता है, 2% ब्रेन होता है संपूर्ण वजन का। ठीक है, कितना होता है 2%, अगर महिलाओं में देखें हम तो महिला में कितना होता है वेट, 1280 ग्राम होता है। महिलाओं में जो मस्तिष्क का वजन होता है वो कितना होता है, 1280 ग्राम होता है। और ध्यान देना ये क्या है, शरीर का सबसे जटिल भाग होता है, शरीर का सबसे जटिल भाग, सबसे जटिल भाग, यानी आपको कहीं चोट लग जाए तो संभावना है कि आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन अगर यहां चोट लगती है संभावनाएं क्या होती, धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। और मस्तिष्क के आवरण को हम क्या कहते हैं, इसके आवरण को हम कहते हैं क्रेमियम। तो ये क्रेमियम नामक आवरण से क्या होता है, बिल्कुल ढका रहता है, क्रेमियम की सुरक्षा में रहता है। और मस्तिष्क में एक झिल्ली होती है, ठीक है ना दोस्तों, चारों ओर क्या है, चारों ओर एक झिल्ली होती है, और उस झिल्ली को हम क्या कहते हैं, चारों ओर ब्रेन में एक झिल्ली है, उस झिल्ली को हम कहते हैं मेनिंज। ठीक है ना, जब इस झिल्ली में स्वेलोइंग होती है तो इससे एक बीमारी होती है, मेनिंजाइटिस। ठीक है ना, मस्तिष्क का बुखार वह मेनिंज झिल्ली में सूजन के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, और ध्यान देना जो हमारा जो मेनिंज होता है इसके तीन लेयर होते, बताऊंगा मैं अभी आगे। और ध्यान दीजिएगा, इसमें एक द्रव होता है, उसका नाम क्या है, सेरेब्रो स्पाइनल द्रव। सेरेब्रो स्पाइनल द्रव होता है, स्पाइनल द्रव जो कि हमारे ब्रेन और स्पाइनल कार्ड दोनों में होता है, स्पाइनल द्रव। और दोस्तों क्या करता है, यह द्रव सुरक्षा करता है हमारे ब्रेन की। ध्यान देना, जो द्रव होता है यह क्या करता है, हमारे ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करता है। और ध्यान दीजिएगा, पूरे मस्तिष्क का 60% भाग क्या होता है, 60% भाग चर्बी होती है। पूरे जल का, पूरे द्रव भाग का लगभग 70% भाग क्या होता है, जल होता है। यानी पूरे द्रव वाले भाग का 70% जल है, पूरे ठोस भाग का 60% क्या है, चर्बी है। और ध्यान देना 90% जो इसका विकास है, जो इसका 95% डेवलपमेंट हमारे ब्रेन का होता है, वह विकास 5 वर्ष की उम्र में ही क्या होता है, हो जाता है। ठीक है, और ध्यान रहे 100% जो विकास होता है वो कब होता है, 100% होता है 18 वर्ष की उम्र में। और आपको ध्यान देना, जब भी कोई वस्तु हम देखते हैं, जब भी कोई वस्तु हम देखते हैं तो वस्तु को देखने के बाद उस वस्तु का 1/16 सेकंड तक प्रतिबिंब हमारे इमेज में सेव रहता है। और जब हम कोई ध्वनि सुनते हैं तो वह ध्वनि हमारे मस्तिष्क में 1/10 सेकंड तक क्या होती, सेव रहती है। दोस्तों ध्यान देना, कभी मस्तिष्क के अंदर वाले भाग में, मस्तिष्क के कभी अंदर वाले भाग में दर्द नहीं होता, क्योंकि मस्तिष्क के अंदर वाले भाग में रक्त का संचार नहीं होता। जो चर्बी वाला भाग है वहां रक्त का संचार नहीं होता है, केवल जो मेनिंज आवरण होता है, जो क्रेमियम लेयर होती है, वहीं पर केवल दर्द का हमको अनुभव होता है। तो देखिए, यहां जो मस्तिष्क है दोस्तों, सबसे पहले कौन सा भाग होता है, इसमें जो मेनिंज लेयर होती है, उस मेनिंज लेयर में तीन भाग होते हैं, जो तीनों भाग क्या होते दोस्तों, हमारी सुरक्षा करते हैं हमारे ब्रेन की। देखिए, जो यहां पर मेनिंज, जो मेनिंज लेयर होती है, एक्चुअली इस लेयर में तीन भाग होते हैं, और तीन भाग कौन कौन से हैं, इसमें जो पहला भाग होता है, पहले भाग को हम कहते हैं ड्यूरा मेटर, ड्यूरा मेटर, और इसके दूसरे भाग को हम क्या कहते हैं, अरेकनॉइड कहते हैं। दूसरे भाग को दोस्तों हम कहते हैं अरेकनॉइड, और जो तीसरा लेयर होती है उसको क्या कहते हैं, पायामेटर कहते हैं। यानी हमारी जो मेनिंज होती है
उसमें ये कुल तीन आवरण होती हैं, तीन लेयर होती हैं, जो मस्तिष्क को दोस्तों क्या करती हैं, ढके रहती हैं, मस्तिष्क की सुरक्षा करती हैं। और दोस्तों इस बात का ध्यान देना, जो ब्रेन को न्यूट्रिशन है, जो ब्रेन को न्यूट्रिशन और वाटर होता है, जो न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन होता है, वो सबसे अंदर वाली लेयर से मिलता है, ठीक है ना। जो हमारा मस्तिष्क है, हमारे मस्तिष्क को भोजन और ऑक्सीजन कहां से मिलती है, सबसे अंदर वाली लेयर से मिलती है। तो अगर ये झिल्ली प्रभावित होगी तो ये लेयर भी क्या होगी, प्रभावित होगी। सोचिएगा, अगर ये झिल्ली, अगर इस झिल्ली में सोयलोइंग होगी, अगर झिल्ली प्रभावित होगी मेनिंज, तो क्या होगा, ये पायामीटर भी क्या होगा, प्रभावित होगा। अगर पायामीटर प्रभावित होगा तो ब्रेन को पोषण नहीं मिलेगा, और अगर ब्रेन को पोषण नहीं मिलेगा तो ब्रेन डेड हो जाएगा और व्यक्ति कोमा की अवस्था में चला जाएगा, ठीक है। तो ध्यान देना, इससे क्या मिलता है, इससे पोषण और ऑक्सीजन मिलता है, और ये मेनिंज का ही एक भाग है। अगर मेनिंज डिस्टर्ब होगा तो जाहिर सी बात है पायामीटर भी डिस्टर्ब होगा, और हमारे ब्रेन को न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, जिससे ब्रेन काम करना बंद कर देगा और व्यक्ति पैरालिसिस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसी प्रॉब्लम होती है जब व्यक्ति को पैरालिसिस होता है। अब दोस्तों इतने सारे भाग हो गए, अब देखिए यहां पर बात करते हैं जो हमारा ब्रेन होता है, जो हमारा ब्रेन होता है वह पूरी, जितनी भी हम ऑक्सीजन लेते हैं दोस्तों, जितनी भी हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, जितना हमारा पूरा ब्लड होता है, देखिए हमारा ब्रेन चाहे हम सोए या जागे ये हरदम कार्य करता रहता है। और इसी कारण दोस्तों जितने भी हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, उस पूरी ऑक्सीजन का 20% दोस्तों, यानी संपूर्ण, यानी पूरी ऑक्सीजन का 20% कौन लेता है, हमारा ब्रेन लेता है, और पूरे रक्त का, पूरे रक्त का 15% ब्लड क्या होता है, हमारे ब्रेन के आसपास होता है, हमारे ब्रेन के कार्यों में लगा रहता है। तो ब्रेन के बारे में कुछ अद्भुत जानकारियां आपके सामने हैं, ठीक है दोस्तों। एक मूवी आई थी हॉलीवुड की, ल्यूसी, उसमें दिखाया गया है कि उस औरत ने, उस लड़की ने अपने ब्रेन का इस्तेमाल 10% से ऊपर कर लिया था और वो दीवार पर चलने लगी थी। हो सकता है ऐसी पॉसिबिलिटी हो, अगर हम भी अपने ब्रेन का इतना इस्तेमाल कर लें तो हम भी ऐसे क्रिया करने लगे, उड़ने लगे, पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन ध्यान रहे, जो ब्रेन का डेवलपमेंट होता है वह दोस्तों कब होता है, वह होता है 5 वर्ष की उम्र में ही 95%। फिर देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है, और वह क्या बनता है दोस्तों, वह बनता है ब्रेन के कार्य से। चूंकि देखिए जो हमारा ब्रेन है बहुत सेंसिटिव होता है और बहुत कार्य करता रहता है, तो अगर हम ब्रेन के कार्य की बात करें कि क्या क्या यह करता है, देखिए भाई पहला होता है यह सभी संवेदी अंगों से इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, यानी दोस्तों क्या करेगा, इंफॉर्मेशन को रिसीव करने वाला कार्य कौन करता है, ब्रेन करता है। तो दोस्तों क्या करेगा, यह इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा सभी अंगों से, जो भी इंफॉर्मेशन आएंगी, और इसके बाद दोस्तों क्या होता है, उनको उनकी उनके दोस्तों क्या होगा, एनालिसिस करेगा, और एनालिसिस करने के बाद रिस्पॉन्स करेगा। सेकंड क्या होता है, एनालिसिस, यानी जो भी इसको मैसेज मिलेंगे, इंफॉर्मेशन मिलेंगी, उसको समझेगा, उसको डिकोड करेगा, एनालिसिस एंड, और क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा, यानी प्रतिक्रिया भी देगा। ये दोस्तों हो गया। और देखिए जो थर्ड इसका कार्य होता है वह दोस्तों क्या होता है, स्टोरेज, यानी सूचनाओं को स्टोर भी करता है, या हम कह सकते हैं कोऑर्डिनेट, ठीक है ना, या कह सकते हैं दोस्तों एक होता है कोऑर्डिनेट, यानी यह समन्वय का कार्य भी करता है। जैसे क्या है, एक साथ शरीर में बहुत से काम कर रहे हैं, जैसे मैं देखिए बोल रहा हूं, चल भी रहा हूं, हाथ चला रहा हूं, सोच भी रहा हूं, आंखें बंद कर रहा हूं, सांस ले रहा हूं, मतलब एक साथ हमारे शरीर के बहुत से अंग काम करते हैं। अब इन सभी अंगों को कार्य करने के बाद भी जो हमारा ब्रेन होता है सभी अंगों पर बराबर बराबर फोकस किए हुए है, यानी सभी अंगों के बीच बराबर कोऑर्डिनेशन कौन करता है, ब्रेन करता है। और इसका फोर्थ वर्क दोस्तों होता है इंफॉर्मेशन स्टोर, इंफॉर्मेशन स्टोर, यानी सूचनाओं को क्या करता है, ये सूचनाओं को दोस्तों स्टोर करता है। जैसे मान लीजिए आज के 10 साल पहले क्या हुआ था, मुझे याद है, आपके साथ क्या हुआ था, आपको भी याद है। देखिए ये सारे कार्य दोस्तों कौन करता है, ब्रेन करता है। चलिए आइए ब्रेन के कुछ पार्ट के बारे में हम लोग बात करते हैं फटाफट जल्दी से, कि ब्रेन के कौन कौन से पार्ट है, वो क्या क्या करते हैं। तो सबसे पहले हम यहां बात करेंगे आपसे अग्र मस्तिष्क के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे अग्र मस्तिष्क
और अग्र मस्तिष्क के कितने भाग थे हम उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों अग्र मस्तिष्क का जो पहला भाग था वह था सेरेबेलम, आइए हम सबसे पहले सेरेब्रम था, तो आइए हम सबसे पहले सेरेब्रम के बारे में बात करते हैं। देखिए सेरेब्रम दोस्तों इसको हम क्या कहते हैं, देखिए जो सेरेब्रम हमारा होता है इसको हम कहते हैं बुद्धि और चतुराई का केंद्र, बुद्धि स्मरण और चिंतन दोस्तों, या इसको बुद्धिमता चिंतन, बुद्धिमता चिंतन स्मरण प्रेरणा अनुभव का केंद्र, ठीक है ना, तो का केंद्र इतने पॉइंट इसको आप कह सकते हो। इसको हम क्या क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं बुद्धिमता चिंतन स्मरण प्रेरणा अनुभव का केंद्र होता है और सबसे विकसित भाग पूरे मस्तिष्क का सबसे बड़ा वह विकसित भाग होता है। सबसे बड़ा वह विकसित भाग दोस्तों क्या होता है, यही होता है। और ध्यान रहे जो बच्चे होते हैं दोस्तों, जो बच्चे होते हैं बच्चों में सीखने की कला बहुत अधिक होती है, यानी बच्चों में खाली होता है लेकिन बहुत तेजी से क्या होता है भरता है। जब बहुत तेजी से बच्चों में भरता है चूंकि क्या होता है यह स्मरण का केंद्र है, ठीक है ना, बुद्धिमत्ता का केंद्र है, तो बच्चों में बहुत तेजी से भरता है और बच्चे बहुत तेजी से सीखते हैं। जब बच्चे बहुत तेजी से सीखते हैं तो बहुत तेज कार्य करता है, इसलिए बच्चों को बहुत तेजी से नींद भी आती है। इस बात को दोस्तों ध्यान देना, ठीक है ना, क्योंकि बच्चों में क्या होता है इसमें जो है। अब दोस्तों आगे इसको हम क्या बोलते हैं, देखिए इसमें आगे क्या होता है, आगे इसमें देखिए तीन भाग होते हैं। अगर इनके तीनों भागों के बारे में बात करें हम लोग, तो पहला भाग क्या होता है, पहला इसका भाग होता है फ्रंटल, इसके पहले भाग को हम बोलते हैं फ्रंटल, और इसका दूसरा भाग क्या दोस्तों होता है, दूसरा होता है पेराइटल। तो फ्रंटल पेराइटल पेराइटल और इसका जो चौथा भाग है टेम्पोरल, सॉरी पेराइटल, इसका तीसरा भाग क्या है टेम्पोरल टेम्पोरल, और इसका जो आखिरी वाला भाग है ऑक्सीपिटल। ध्यान रहे जो बच्चे हैं बच्चों में 60% इसी का इस्तेमाल होता है, सेरेब्रम का ऑक्सीपिटल होता है, बच्चों में 60% क्या होता है सेरेब्रम का इस्तेमाल होता है, और इसलिए जो बच्चे होते हैं उनकी मेमोरी बहुत तेज भरती है तो वो बहुत तेज सोते हैं इसीलिए। चलिए यहां देखिए क्या है, ये फ्रंटल है दोस्तों। अगर हम फ्रंटल की बात करें तो फ्रंटल में कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, देखिए ध्यान देना, यहां पर ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं, जो हमारी ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं वो इसी फ्रंटल से संपन्न होती हैं। और दोस्तों फिर ये ताप सॉरी दाब स्पर्श, दाब व जो स्पर्श होता है ये क्रियाएं कहां संबंधित होती है, ये क्रियाएं होती हैं पेराइटल से। फिर देखिए दोस्तों उसके बाद दृश्य और श्रवण शक्ति, दो क्रियाएं और होती हैं दृश्य और श्रवण शक्ति, यहां देखिए श्रवण शक्ति का नियंत्रण, श्रवण शक्ति का नियंत्रण कहां होता है, ये होता है आपके किस भाग में टेम्पोरल में। और देखिए दृष्टि, दृष्टि का नियंत्रण, दृष्टि का नियंत्रण ये कहां होता है, यह होता है आपके ऑक्सीपिटल में। तो ये रहा सेरेब्रम, तो सेरेब्रम के बारे में इतने अधिक क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में नहीं आ सकते हैं। देखिए इसका अगला भाग क्या होता है, इसका अगला भाग होता है दोस्तों डाइएन्सेफेलॉन। अगर मैं डाइएन्सेफेलॉन के बारे में बात करूं, डाइएन्सेफेलॉन, अगर डाइएन्सेफेलॉन के बारे में बात की जाए तो इसके कुल तीन भाग होते हैं। जो पहला भाग होता है, पहले भाग को हम क्या कहते हैं, इसके पहले वाले भाग को, इसके पहले वाले भाग को दोस्तों हम कहते हैं थैलेमस, ठीक है, जो इसका पहला भाग है उसको क्या कहते हैं थैलेमस कहते हैं। तो थैलेमस क्या करता है,
या ठंडा गर्म और दर्द, तीन चीजें, क्या क्या? ठंडा, गर्म और दर्द, तो तीन चीजों का नियंत्रण करता है भाई ठंडा गर्म और दर्द। देखिए ठंडा, अगर मान लीजिए आप ठंडा पानी पी रहे हैं, ठंडा लग रहा है आपको, या आप आग सेक रहे हैं आपको गर्म लग रहा है, तो उनका नियंत्रण कौन करता है? उनका नियंत्रण करता है यही थैलेमस या दर्द। देखिए दर्द यानी अगर आपको कोई कांटा चुभता है तो आपको दर्द होती है, मच्छर काटा दर्द होती है। ध्यान रहे जब व्यक्ति की सर्जरी होती है तो सर्जरी के दौरान दोस्तों क्या होता है, उसको एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दे करके कुछ समय के लिए उसके अंगों से दर्द की संवेदना को कम कर देते हैं, और जब दर्द की संवेदना खत्म हो जाती है तो व्यक्ति का हाथ पैर कहीं से काट दीजिए उसको एहसास नहीं होगा। तो ध्यान देना यही अंग क्या होता है उस समय नियंत्रित रहता है। दोस्तों आगे होता है थैलेमस। अगर हम थैलेमस के बारे में बात करें, सॉरी आगे बात तो क्या होती है हाइपोथैलेमस। अगर हम हाइपोथैलेमस के बारे में बात करें, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, या इसी को हम ग्रैंड मास्टर कहते हैं। दोस्तों ध्यान देना बहुत सारे नाम है इसके, ठीक है, क्योंकि यह मास्टर ग्रंथि को नियंत्रित करता है। तो जो हाइपोथैलेमस होता है, दरअसल यहां पर क्या होता है दोस्तों, यहां पर भूख, अगर भूख लगी है तो उसका एहसास कौन करवाएगा? हाइपोथैलेमस। क्योंकि जब ग्लूकोज की मात्रा कम होगी तो दोस्तों ध्यान देना जो पीयूष ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथ से निकलने वाले जो हार्मोन होते हैं वह ग्लूकोज को कुछ हद तक नियंत्रित करते हैं, या जो अन्य जो पीयूष ग्रंथि होती है वह अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करती है, और हाइपोथैलेमस पीयूष को कंट्रोल करता है। जब ग्लूकोज की कमी होगी हमारी बॉडी में तो हाइपोथैलेमस को मैसेज मिल जाता है कि अब भूख लगी है। तो ध्यान देना भूख प्यास, जब पानी हम लोग कमी होती है दोस्तों तब भी इसको मैसेज मिलता है। तो भूख प्यास प्रेम गुस्सा, तो भूख प्यास प्रेम गुस्सा इन सभी का नियंत्रण कौन करता है? इन सभी का नियंत्रण करता है हाइपोथैलेमस, प्लस इसका कार्य और होता है हमारे शरीर के तापमान को बिल्कुल निश्चित रखता है, इसको हम ताप नियामक भी कहते हैं, यानी शरीर के तापमान को बिल्कुल स्थिर रखता है, तापमान को घटने बढ़ने नहीं देता, इसी को हम हाइपोथैलेमस को ताप नियामक कहते हैं। जो हम लोग क्या दोस्तों, हम लोग समतापी हैं, जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है हमेशा एक साथ कांस्टेंट रहता, तो क्यों रहता है? हाइपोथैलेमस के कारण ही रहता है, ठीक है ना, क्योंकि यह तापमान को बिल्कुल स्थिर रखता है। दोस्तों फिर क्या है नंबर थर्ड जो होता है, जो अगला भाग होता है, अगले भाग को हम क्या कहते हैं, अगले भाग को हम कहते हैं एमाइग्ला। देखिए जो एमाइग्ला होता है, दरअसल देखिए दोस्तों पहला क्या होता है भय, ठीक है, भय यानी कि डर, हम लोग किसी वस्तु को देखकर डर जाते हैं, अचानक सडनली डर जाते हैं, ठीक है ना, डर जाते हैं तो हमारे बाल क्या होते हैं खड़े हो जाते हैं। भय या फिर संवेदना, जो हमारे अंदर संवेदना होती है, हम बहुत संवेदनशील होते हैं, जो संवेदना होती है तो भय संवेदना और इसके साथ ही साथ डिसीजन मेकिंग, इसके साथ साथ दोस्तों क्या होता है डिसीजन, ये तीनों क्रियाओं का नियंत्रण कहां होता है? एमाइग्ला में होता है, और एमाइग्ला किसका भाग है? ये अग्र मस्तिष्क का भाग होता है, ठीक है। तो ये रही अग्र मस्तिष्क के बारे में बातें, आइए हम फटाफट आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मध्य मस्तिष्क के बारे में। तो दोस्तों मध्य मस्तिष्क के दो भाग है, मध्य मस्तिष्क यानी मिड ब्रेन के दो भाग होते हैं। मध्य मस्तिष्क के कितने भाग हैं? मध्य मस्तिष्क के दो भाग हैं, जिसका पहला भाग क्या होता है दोस्तों, पहला भाग इसमें है सेरेब्रल पेंडिकल, दूसरा भाग क्या होता है कार्पोरा कार्डिजेमिना। इनके अलग अलग कार्य भी होते हैं, इनके कार्य के बारे में हम लोग बात करेंगे या कौन कौन सा कार्य करता है। तो पहला क्या है, पहला होता है सेरेब्रल पेंडिकल। तो पहला है सेरेब्रल पेंडिकल, दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा कि ये ऐसा भाग है जो सेरेब्रम के साथ मिलकर के देखने और सुनने की शक्ति का नियंत्रण करता है,
ठीक है ना, यानी यही आदेशित करता है शेरे ब्रह्म को, तब जाकर के शेरे ब्रह्म देखने और सुनने की शक्ति का नियंत्रण करता है। तो हम कह सकते हैं दृष्टि दृष्टि व श्रवण श्रवण शक्ति का नियंत्रण केंद्र है, शक्ति का नियंत्रण केंद्र। यानी पहले यह क्या करेगा, आदेशित करेगा किसको, शेरे ब्रह्म को, तब जाकर के दोस्तों शेरे ब्रह्म क्या करता है, देखने और सुनने का नियंत्रण करता है। तो नियंत्रण केंद्र तो यही होता है। फिर देखिए आगे दोस्तों, आगे जो भाग है उसको हम कहते हैं कार्पोरा कार्डी जेमिना। फिर क्या होता है, कार्पोरा कार्डी जेमिना होता है, यह भाग हमारे मध्य मस्तिष्क का होता है और इस भाग का कोई खास रोल नहीं होता है, बस ये भाग क्या करता है, हमारे मस्तिष्क को, हमारे मध्य मस्तिष्क को, मिड ब्रेन को, मध्य मस्तिष्क को जोड़ देता है, मध्य मस्तिष्क को कनेक्ट करता है, को मेडुला ऑब्लॉन्गेटा से जोड़ता है, को मेडुला ऑब्लॉन्गेटा से जोड़ता है, गेटा से जोड़ देता है। यानी हमारा जो ब्रेन होता है, हमारे ब्रेन का एक हिस्सा है पश्च मस्तिष्क का मेडुला ऑब्लॉन्गेटा, और ध्यान रहे ये क्या करता है, मेडुला ऑब्लॉन्गेटा को उससे जोड़ देता है दोस्तों। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। चलिए अब इसका और कोई कार्य नहीं होता है, आगे बात करते हैं पश्च मस्तिष्क के बारे में। देखिए पश्च मस्तिष्क के भी दो भाग, तीन भाग होते हैं। तो दोस्तों पश्च मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क के बारे में बात करेंगे तो पश्च मस्तिष्क कितने भाग होते हैं, इसके होते हैं तीन भाग। पहला भाग क्या है, पहला भाग होता है सेरी बेलम। पहला भाग क्या है, सेरी बेलम है, और अगला भाग क्या होता है दोस्तों, मेडुला मेडुला ओब्लॉन्गेटा। इसका अगला भाग दोस्तों क्या होता है, पोन्स होता है। तो तीन भाग होते हैं हमारे पश्च मस्तिष्क के। देखिए जो सेरेबेलम है इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हम हिंदी में कहते हैं अनुमस्तिष्क, इसको हम हिंदी में अनुमस्तिष्क कहते हैं। और यह दोस्तों छोटा भाग होता है, ध्यान रखिए बहुत सेंसिटिव होता है, और इसीलिए इसको हम कहते हैं मस्तिष्क का मस्तिष्क, ब्रेन ऑफ ब्रेन कहते हैं, मस्तिष्क का मस्तिष्क। और ये करता क्या है, ध्यान रखिएगा ये करता क्या, इसका कार्य क्या होता है। जैसे क्या हम लोग दौड़ रहे हैं, खड़े हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, खेल रहे हैं, तो हम लोग सभी कार्य करते रहते हैं। इन सभी कार्यों के दौरान दोस्तों हम नहीं गिरते, अस्थाई रहते हैं। क्यों, हमारी बॉडी संतुलन की अवस्था में रहती है। तो हमारा शरीर दोस्तों संतुलन में क्यों रहता है, क्योंकि यह सेरे बेलम पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, संतुलित रखता है। ध्यान रखिए शरीर को संतुलित रखता है, ठीक है ना, संतुलित रखता है। और जब कोई व्यक्ति शराब पीता है, बहुत ज्यादा नशा करता है, तो उसकी बॉडी कंट्रोल में नहीं रहती भाई, संतुलन में नहीं रहती है, वो गिरता पड़ता रहता है। क्यों, क्योंकि उसका सेरेबेलम भी कंट्रोल में नहीं रहता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं मेडुला ऑब्लॉन्गेटा, ध्यान रहे सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण। दोस्तों अनैच्छिक क्रियाओं का मतलब यह होता है कि ऐसी क्रियाएं जो हमारे शरीर में अचानक होती हैं, उन क्रियाओं को हम कहते हैं अनैच्छिक क्रियाएं। जैसे आपने भोजन किया है तो क्या भोजन का पाचन आप चाह करके रोक सकते हैं, कभी नहीं, ठीक है ना, कभी ऐसा नहीं हो पाएगा। क्या दोस्तों आप रोक सकते हैं कि आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट ना करे, ऐसा पॉसिबल है, कभी नहीं। यानी दोस्तों कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जो अचानक होती हैं, और अचानक होने वाली क्रियाओं का कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं दोस्तों जो अनैच्छिक होती हैं, जैसे हृदय गति है, श्वसन है, रक्त परिसंचरण है, इन सभी क्रियाओं पर, यानी पलके झपकना, इन सभी क्रियाओं पर किसका नियंत्रण होता है, एमाइग्ला का होता है। आगे है पोन्स। दोस्तों पोन्स एक ऐसा भाग है जो क्या करता है, निद्रा चक्र का नियंत्रण। दोस्तों जो निद्रा चक्र होता है उसका नियंत्रण कौन करता है, पोन्स करता है। जब हम लोग सोते हैं
उसका नियंत्रण कौन करता है? पोन्स करता है। जब हम बहुत गहरी नींद में सोते हैं तो उसका उसकी कंट्रोलिंग कौन कौन करता है? यह पोन्स ही करता है। फिर देखिए, अब ब्रेन के बाद जो अगला पार्ट होता है हमारे हमारे सीएनएस का, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं मेरु रज्जु। दोस्तों इसका मतलब क्या होता है? देखिए इसको हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। दरअसल होता यह है कि यह हमारी रीढ़ की हड्डी में, हमारी रीढ़ की हड्डी में पतली पतली रस्सी नुमा रचनाओं के रूप में फैला होता है। और ध्यान रहे, जिस हिस्से पर ब्रेन का कंट्रोल नहीं होता उस हिस्से पर दोस्तों इसका कंट्रोल रहता है। एक बार वैज्ञानिकों ने परीक्षण किया था, एक व्यक्ति के ब्रेन को इस जो है स्पाइनल कॉर्ड से अलग कर दिया और व्यक्ति के हाथ में उसने स्विच हुई तो व्यक्ति ने अपना पूरा तुरंत अपना हाथ हटा लिया। इसका मतलब यह सिद्ध होता है कि यहां जो मेरुरज्जु होता है, जो स्पाइनल कॉर्ड है, वह शरीर में हाथ और पैर का नियंत्रण करते हैं। दोस्तों अगर हम बात करते हैं यहां जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो कितना होता है? दोस्तों 42 से 45 सेंटीमीटर क्या होता है? लंबा होता है। और यह होता कहां है? कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड में। और लगभग दोस्तों ध्यान देना, लगभग 3 सेंटीमीटर दोस्तों क्या होता है? चौड़ा होता है, 3 या 2। तो लगभग क्या होता है? 2 सेंटीमीटर चौड़ा। और ये कहां रहता है? मेरु रज्जु में, सॉरी, यह रहता है रीढ़ की हड्डी के बीच, रीढ़ की हड्डी के बीच रहता है, स्थित रहता है हड्डी के बीच। और ध्यान देना, इसी के कारण भाई, इसी के कारण जो अंग होते हैं वह ब्रेन से क्या करते हैं दोस्तों? कनेक्ट हो पाते हैं। यहां आप देख सकते हो कि कैसे ये कनेक्ट करता है ब्रेन को, ठीक है ना। चलिए देखिए, जो हमारे दोस्तों अंग होते हैं, जो भी हमारे अंग है, वो हमारे अंग कैसे जुड़ पाते हैं ब्रेन से? तो वह जुड़ पाते हैं ब्रेन से केवल स्पाइनल कॉर्ड के कारण। यानी ये अंग और मस्तिष्क के बीच क्या होता है? सेतु होता है। अंगों व मस्तिष्क के बीच सेतु, ठीक है ना। देखिए, कहने का मतलब यह है कि अगर हमको दोस्तों किसी ने यहां पर सुई चुभ होया तो यहां से जो सूचना होती है न्यूरॉन के माध्यम से कहां होती है? आती स्पाइनल कॉर्ड में और फिर वहां से पहुंचती है ब्रेन में। तो ब्रेन क्या होता है? उस सूचना को पढ़ता है, डिकोड करता है और संदेश देता है किसको? संदेश देता है फिर स्पाइनल कॉर्ड को। फिर वहां से मोटार न्यूरॉन आगे बढ़ता है तो जाकर के मसल्स के पास आता है, तो मसल्स क्या होती है? रिस्पॉन्ड करती है। यानी दोस्तों यह मस्तिष्क और अंगों के बीच क्या है? सेतु है, क्योंकि यह अंगों की संवेदनाओं को क्या करता है? संवेदना को ब्रेन से जोड़ता है। किससे? ब्रेन से जोड़ता है। और ब्रेन की संवेदना को अंगों से जोड़ता है। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। यह दोस्तों अंगों और ब्रेन के बीच क्या होता है? सेतु होता है, क्योंकि जो अंगों की संवेदनाएं होती है उसको ब्रेन तक पहुंचाता है, जो ब्रेन की संवेदना होती है उसको अंगों तक लाता है। दोनों के बीच क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड ही होता है। और ध्यान रहे, इन कार्यों को करने के साथ साथ यह कुछ और भी कार्य करता है जिनको हम कहते हैं प्रतिवर्ती क्रियाएं। दोस्तों प्रतिवर्ती क्रियाओं का मतलब यह है, इनको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। देखिए, प्रतिवर्ती क्रिया यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन यानी ऐसी क्रियाएं जो अचानक से हो जाती हैं। मान लीजिए अभी आप जा रहे हैं गाड़ी से, बाइक से जा रहे हैं और आपने देखा रही, अचानक आपके सामने क्या हुआ? अचानक आपके सामने ट्रक आ गई, आपने झटके से गाड़ी अपनी मोड़ ली। या दोस्तों क्या होता है, कभी कभी नाक में जब कुछ घुस जाता है, तो जब नाक में कुछ घुसता है तो छींक आती है। क्या छींक आने के लिए आप सोचेंगे कि हाँ घुसा है, तब ब्रेन समझेगा, तब छींक आएगी? नहीं, जैसे कुछ घुसता है तुरंत छींक आती है। आप कहीं हाथ रखे तुरंत जल गए, तुरंत क्या हुआ? तुरंत जल गए। क्या जब हाथ रखें तो
तो वहां से फिर एक सेकंड बाद न्यूरॉन आएगा यहाँ, फिर मैसेज करेगा, फिर अपना हाथ उठाएगा। ऐसा नहीं होता, यानी जैसे रखा हमने तुरंत अपना हाथ हटा लिया। क्यों दोस्तों? क्योंकि ये प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं, इन पर किसका नियंत्रण होता है? स्पाइनल कॉर्ड का। जैसे मान लीजिए, और दोस्तों होता है कि जब कोई भोजन हम देखते हैं, मीठा भोजन, अच्छा भोजन, तो हमारे मुंह में क्या होता है? पानी आता है। क्यों? यह इसी उसको हम कहते हैं प्रतिवर्ती क्रिया, जिसका नियंत्रण कहां से होता है? स्पाइनल कॉर्ड से होता है। यानी दोस्तों आपने पढ़ लिया है, अगर मस्तिष्क को के पूरे मस्तिष्क के पूरे भाग को अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे पढ़ेंगे हम लोग किसके बारे में? पेरीफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में, ठीक है ना। तो आगे हम देखते हैं कि पेरीफेरल अर्थात परिधीय तंत्रिका तंत्र। मैंने आपसे कहा था कि तंत्रिका तंत्र तीन प्रकार का होता है। पहला होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा होता है दोस्तों परिधीय तंत्रिका तंत्र, और तीसरा होता है आपका स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र के बारे में, तो मैंने आपसे बताया था कि इसके दो भाग होते हैं प्रमुख रूप से। दोस्तों इसके दो भाग होते हैं। पहला भाग क्या है? पहला भाग होता है तंत्रिका तंत्र, ठीक है ना। तो इसके दो भाग होते हैं। पहला क्या होता है? पहला होता है क्रेनियल। दोस्तों जो क्रेनियल होता है, क्रेनियल और एक होता है स्पाइनल, स्पाइनल और एक होता है क्रेनियल। दोस्तों स्पाइनल में क्या होती है? 31 जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं, और देखिए क्रेनियल में क्या होती है? 12 जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं। ये तंत्रिकाएं हमारे, जैसे अगर हम बात करते हैं क्रेनियल की, तो सबसे पहले बात करेंगे हम क्रेनियल की। दरअसल दोस्तों क्या होता है, जो तंत्रिकाएं होती है हमारे चेहरे के आसपास होती हैं, और ये ब्रेन से निकली होती हैं, और ब्रेन से निकली होती तथा हमारे चेहरे की जो संवेदनाएं होती हैं, आंख की संवेदना, नाक की संवेदना, जीभ की संवेदना, इन संवेदनाओं से ये जुड़ी होती हैं, और इन संवेदनाओं को कहां पहुंचाती हैं? ब्रेन तक। और दोस्तों ब्रेन क्या होता है? उसका एक्शन लेता है। जैसे हम कुछ भी खाते हैं, अगर कुछ हम खाएंगे तो माने तीखा कुछ खाया हमने, जब तीखा हम खाते हैं तो तुरंत देखिए वह जीभ पर पहुंचता है, और तुरंत यहां जो क्रेनियल नर्व होती है उस सूचना को तुरंत कहां पहुंचाती है? ब्रेन तक। और ब्रेन क्या करता है? तब रिस्पॉन्ड करता है कि जो हमने खाया वह तीखा है कि मीठा है। दोस्तों ध्यान देना, ये ब्रेन से निकली हुई तंत्रिकाएं होती हैं जो चेहरे के अंगों से कनेक्ट रहती हैं। अगर बात करते हैं हम स्पाइनल नर्व की, तो ये ऐसी तंत्रिकाएं होती हैं जो कहां पर होती हैं? हाथों और पैरों में होती हैं, और यह 31 जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं, और हमारे हाथ और पैरों की संवेदनाओं को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ने का कार्य करती हैं। और इस बात का ध्यान देना, ये तंत्रिकाएं स्पाइनल कॉर्ड से निकली हुई होती हैं, ठीक है। देखिए अब दोस्तों यह जो है हाथ और पैर में मुख्य रूप से पाई जाती हैं। अब थर्ड होता है आप सभी का, जो थर्ड नर्वस सिस्टम है वह है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। और दोस्तों ये ऐसा तंत्रिका तंत्र है जो कुछ हार्मोन के द्वारा अपने कार्य को संपादित करता है, जो हार्मोन के द्वारा अपने कार्य को संपादित करता है। और ध्यान रहे, लेकिन हार्मोन का नियंत्रण हाइपोथैलेमस करता है, इसीलिए यह जो आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है यह स्वतंत्र होते हुए भी स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पाता, बल्कि ब्रेन के कंट्रोल में होता है। इसका एक भाग है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, जिसको हम कहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है ना, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और इसका एक भाग क्या होता है? अनुकंपी होता है, जिसको हम कहते हैं अनुकंपी परानुकंपी होता है। एक भाग इसका एक अनुकंपी हो गया, और एक भाग होता है परानुकंपी, परानुकंपी यानी कि पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। देखिए दोस्तों यहां पर जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है यह होता क्या है? देखिए जो पहला वाला है, अगर हम इसकी बात करें तो यह ऐसा भाग है जो दुख, भय और संकट के समय, भय, दुख और संकट के समय कार्य करता है। मान लीजिए
अभी आपकी कनपटी पर कोई बंदूक लगा दे ऐसे, ठीक है ना। सोचिए कोई आतंकवादी आ जाए, मान ली सब लोग यहां पर, आप लोग जहां पर हैं वहां पर कोई आतंकवादी आ जाए गन लेकर के, तो क्या होगा? तो दोस्तों तुरंत आपके अंदर भय होगा। तो जब भय होगा तो या तो आप उससे लड़िए, लड़ करके शहीद होइए, है ना, या उसको मार दीजिए। लेकिन दोस्तों क्या होता है, भय की स्थिति बन जाती है, और जब भय की स्थिति बन जाती है तो ऐसे में क्या होता है, जो हमारी हार्ट बीट होती है, आरबीसीज होती है, जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है, आंख की पुतली होती है, ये सभी प्रभावित होती हैं। और साथ ही साथ दोस्तों जो हमारी लार ग्रंथियां होती हैं यहां तक प्रभावित होती हैं। और ध्यान देना, ये करता क्या है दोस्तों, यह जो है संकट के समय दुख और भय में होने वाली संवेदनाओं को, ठीक ना, कि संवेदनाओं को क्या करता है, नियंत्रित करता है, संवेदनाओं को नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है। जैसे दोस्तों क्या होता है, आरबीसी का बढ़ना, जैसे क्या होता है हृदय गति का बढ़ना, जैसे क्या होता है जब हम किसी चीज को देखकर डरते हैं तो हमारा रक्तचाप क्या होता है, बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, लार के स्राव का में कमी, यानी लार का स्राव घट जाता है। यानी पहला हृदय गति बढ़ जाना, ठीक। नंबर दूसरा रक्तचाप अधिक होना, रक्तचाप अधिक। उसके बाद लार का सूख जाना या लार का कम स्राव। अगर दोस्तों आगे हम बात करें आगे, तो अधिक पसीना, भाई जब डरेंगे पसीना क्या होगा, अधिक निकलेगा, अधिक पसीने का निकलना। और दोस्तों साथ ही साथ क्या होता है, साथ ही साथ रुधिर वाहिनियों का संकीर्ण हो जाना। जो हमारी रुधिर वाहिनियां होती है वो क्या होती है, वो पतली हो जाती है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन यहां जो परानुकंपी होता है वह क्या करता है, प्रेम आनंद की संवेदना का नियंत्रण, ये प्रेम और आनंद की संवेदना का नियंत्रण करता है दोस्तों। इसलिए ये क्या होगा, ये सामान्य रहता है। अगर देखिए हार्ट बीट बढ़ जाती है तो इससे हार्ट बीट क्या होती, कम हो जाती है, सामान्य रहती है। अगर बीपी बढ़ रहा है इससे, तो इससे बीपी क्या होता है, सामान्य रह जाता है। अगर दोस्तों यहां पर लार का स्राव कम हो रहा है, जब आप मस्त रहेंगे, आनंदमय रहेंगे, तो लार का स्राव बराबर होता रहेगा। दोस्तों ये क्या करता है, पुतलियों को फैलाता है। यहां देखिए इससे क्या होगा, जो पुतलियां होंगी वो सामान्य रहेंगी, ठीक है ना। और ध्यान दें दोस्तों, जब आप भय रहेगा, आपको डर रहेगा, तो अधिक पसीने का स्राव होगा। लेकिन जब आप आनंदमय तरीके से खुश रहेंगे तो कहां पसीना निकलेगा, यानी ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट काम करते हैं। एक चीज आपको ध्यान देनी होगी, जैसे एक दोस्तों होता है ईईजी, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ, या मस्तिष्क की जांच करने वाला यंत्र है, ठीक है। और दोस्तों एक होता है एमआरआई मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, ये ऐसा यंत्र है जो मस्तिष्क का चित्र खींचता है। और ईईजी यहां दोस्तों क्या होता है, इलेक्ट्रिक जो है, या इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ इसको बोलते हैं, जो मस्तिष्क संबंधी जांच करने वाला यंत्र है। तो आपने तंत्रिका तंत्र के पूरे पार्ट को देख लिया है, ठीक है। और दोस्तों इसके बाद देखिए, अब हम नर्वस सिस्टम पढ़ चुके हैं, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इंडोक्राइन सिस्टम, ताकि दोनों आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, अच्छे से नोट बनाइए, क्लासेस को अच्छे से करिए। और ध्यान रहे यूपीएसआई दोस्तों बैच प्रारंभ है, और यूपीएसआई के लिए बैच प्रारंभ है, दिए हुए जो नंबर स्क्रॉल हो रहा है उस पर संपर्क करके आप एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन का प्रोसेस जो है वह 7 अगस्त तक चलता रहेगा। और हाँ, आपको क्या करना होगा, आपको दोस्तों दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सअप करके एडमिशन प्रक्रिया के बारे में जानकारी लेनी होगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आप लोग हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास के
लोगों का ख्याल रखिए, समय इस समय बहुत खराब चल रहा है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।